गाइस, तो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल भिंडी की सब्जी। भिंडी तो प्याजा बनाएंगे, तो बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। तो भिंडी आजकल सीजन में काफ़ी आ रही है तो और सस्ती भी है। तो यहाँ पर हमने ले ली है भिंडी, इसको अच्छे से पहले ही वॉश कर दिया है और सुखा लेना है बिल्कुल। तो इसके दोनों तरफ से एंड्स को हम क्रीम कर देंगे, इसकी दोनों नोकों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 350 और 400 के करीब भिंडी ले ली है और इसको हम कट कर रहे हैं। तो कट हम दो पीसेस में कट करेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में भिंडी बनाएंगे। तो आप चाहे तो इसके ज़्यादा कट भी कर सकते हैं, इसको 3-4 भागों में कट कर सकते हैं। जो यूजली इसका जो साइज़ है वो 2.5 इंच का ही होता है। तो देखिए, हम ऐसे ही 2 कट लगा लेंगे। अगर कोई भिंडी ज़्यादा बड़ी है तो उसको हम ज़्यादा कट लगा देंगे, उसको 3 भागों में कट कर लेंगे। तो सारी भिंडी को हम जल्दी जल्दी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो फिर बताते हैं कि हमने इसको कैसे रेडी करना है। तो सारी भिंडी हम कट करके रेडी करके मिलते हैं। देखिए, सारी भिंडीज को हमने कट कर दिया है। तो अब हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। तो उसके लिए हमने डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल हमने जहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल डालने से इसका टेस्ट आएगा तो बहुत ही भिंडी कुरकुरी और टेस्टी बनेगी। तो आप भी इस मस्टर्ड ऑयल से ही, सरसों के ऑयल में ही बनाएं भिंडी। तो इसको हमने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देंगे। तो भिंडी बहुत ही जल्दी गल जाती है, इसके लिए हम 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, सारी भिंडी को हमने फ्राई करना है। ढाबा स्टाइल जो सब्जियां होती हैं उसमें बहुत ऑयल यूज़ किया जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। तो भिंडी फ्राई हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के अनियन। इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लेना है। इसको हमने 4 भागों में कट कर लिया था और इसके लीव्स को अलग अलग कर लिया था। तो देख सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल आपने कट करना है। तो इसको भी हमने 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, भिंडी भी ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं, फ्राई हो रहे हैं। इसमें जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, भिंडी हमारी थोड़ी सी ब्राउन होने लगे, प्याज का थोड़ा सा लाइट पिंक सा कलर आ जाए, तो देख सकते हैं भिंडी हमारी रेडी है और प्याज का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, पिंक सा कलर आ गया है प्याज में। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आप देख रहे होंगे कढ़ाई में काफ़ी ऑयल दिख रहा है और भिंडी और प्याज को हमने एक तरफ करके इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी सेम ऑयल का हमने जूस करके भिंडी को रेडी करेंगे। तो इसको ऑयल को हमने निकालना नहीं है, सेम पैन और सेम ऑयल में हम सब्जी को रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं, हम सारी भिंडी और प्याज निकाल लेंगे तो ऑयल हमारा बिल्कुल ऐसे ही बच जाएगा। भिंडी जो फ्राई करने में तेल ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जहाँ पर एक ही कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे तो इसमें पहले ही हमने भिंडी को फ्राई कर दिया है और इसमें ही हम सब्जी बनाएंगे। तो देखिए, इस ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। तो 1/2 चम्मच जीरा डाल के इसको अच्छे से चटका लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किए हैं 2 अनियन। इसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। तो 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर देंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से भुन जाना चाहिए, इसको हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आ जाना चाहिए। और देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हमने जहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च ली है, इसको लंबाई में कट कर लिया है और जहाँ पर 2 मिर्च को हमने बारीक कट कर लिया है, इसको भी हमने ऐड कर दिया है। तो आप चाहे तो सारी मिर्च को बारीक कट कर सकते हो। तो इसको भी हमने 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर देंगे। तो देखिए, प्याज और मिर्च को हमने फ्राई कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो जहाँ पर हमने ले लिए है 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर, इसको हमने मिक्स कर देना है और मसाला रेडी करेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, सूखे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें नमक। नमक हमने 1 चम्मच डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले हमने अच्छे से भून लेने हैं, टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी होना चाहिए। मसाला हमारा जितना अच्छा भुना जाएगा तो सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो जब तक मसाला तेल ना छोड़े तो इसको हमने ढक्कन लगाकर पका लेते हैं। 1-2 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो मसाले को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने भिंडी और प्याज को फ्राई किया था, पर उससे पहले हम दही ऐड कर रहे हैं। दही हमने 2 चम्मच लिया है, बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए। इसको हमने फेंट लिया है, तो दही आपने बिल्कुल गैस को लो कर देना है या फिर आप गैस को बंद कर दें, नहीं तो गर्म ठंडे की वजह से दही फट सकता है। तो गैस की हमने बिल्कुल लो कर दिया है, तो जहाँ पर हम दही को जल्दी जल्दी ऐसे ही मिक्स कर देंगे। दही डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो देख सकते हैं इसको हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो भिंडी और प्याज को फ्राई किया था, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब हम इसको मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, भिंडी में लग जाना चाहिए। तो देखिए सारे भिंडी और प्याज को हम मिक्स करेंगे, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम खटास के लिए डालेंगे नींबू। यहाँ पर हमने 1 नींबू लिया है, इसका रस निकाल कर हम सारा नींबू को निचोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और नींबू डालने से हमारी भिंडी बिल्कुल खिली खिली बनेगी, इसमें लेस नहीं छोड़ेगी भिंडी, तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो इसको हमने 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर पकाना है, क्योंकि भिंडी को हमने पहले ही फ्राई किया है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए भिंडी ने हमारी ने तेल छोड़ दिया है और भिंडी तो प्याज़ा बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर रेडी हुई हैं। आप भी कब बना रहे हैं ऐसी भिंडी की सब्जी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कब बनाएंगे आप सब्जी और वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भिंडी की सब्जी कैसी लगी ढाबा स्टाइल में, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।